अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल में गोलीबारी में 18 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल बताए जा रहे हैं। इस खबर ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। पिछले दिनों भी अमेरिका में ऐसी ही भीषण गोलीबारी देखने को मिल चुकी है। मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो इन सब से थक गए हैं और अब कड़ा एक्शन लेंगे। वहीं टेक्सास के गवर्नर ग्रेग अबॉट ने जानकारी दी है कि गोलीबारी की घटना टेक्सास के उवाल्डे शहर में हुई, जहां एक 18 साल के शूटर ने रॉब प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। गवर्नर के मुताबिक उस गोलीबारी में 18 छात्रों की मौत हो गई और 3 टीचर भी जान गंवा बैठे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी शूटर ने हमला करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। घटना दोपहर के वक्त की बताई जा रही है, जहां 18 साल का शूटर अचानक स्कूल कैंपस में घुस आया। जैसे ही पुलिस को शूटर के बारे में पता चला, तुरंत फोर्स मौके पर भेज दी गई। वहीं बच्चों के माता पिता से कैंपस में न जाने की अपील की गई, लेकिन 21 लोगों की